ज़रूरियातें मज़हब अहले सुन्नत में से किसी बात का इनकार करना गुमराही है। मज़हब अहले सुन्नत की ज़रूरियात का मतलब ये होता है कि इसका मज़हब अहले सुन्नत से होना सब अवाम व ख़वास अहले सुन्नत को मालूम हो, जैसे अज़ाब कबर, अमाल का वज़न। गुमराहियत की चंद मिसालें ये हैं: अज़ाब कबर का इनकार करना, तकदीर का इनकार करना, करामात औलिया का इनकार करना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अफजल कहना, यजीद के फासिक और फाजिर होने से इनकार करना। गुमराही और बद मज़हबी के मुतल्लिक मुख्तलिफ अहकाम हमारे दीन में हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अकीदे की खराबी अमल की खराबी से कहीं ज़्यादा बुरी है, इसलिए बद मज़हब अगरचा कैसा ही नमाजी हो, अल्लाह पाक के नज़दीक सुन्नी बे नमाजी से कई दर्जे ज़्यादा बुरा है। बद मज़हब व गुमराह से कुरान व हदीस का इलम हासिल करना भी जायज़ नहीं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, बेशक ये इलम तुम्हारा दीन है तो तुम गौर कर लो कि अपना दीन किस से हासिल कर रहे हो। बद मज़हब की तज़ीम हराम है और शरअन इसकी तौहीन वाजिब है। बद मज़हब की गीबत शरण गीबत नहीं बल्कि बद मज़हब की बुराइयां बयान करने का खुद शरण हुक्म है। सूरह इनाम की आयत नंबर 68 में है, और जो कहीं तुझे शैतान भुलावे तो याद आए पर जालिमों के पास ना बैठ। इस आयत में जालिमों से मुराद गुमराह व बद मज़हब फासिक और काफिर लोग हैं, इन सब के साथ बैठना ममनू है। एक हदीस में है, जिसने किसी बद मज़हब की तज़ीम व तौक़ीर यानी उसकी रिस्पेक्ट की तो उसने इस्लाम के ढाने में मदद की। गुमराही में पड़ने के बाज़ असबाब आपको ज़रूर मालूम होने चाहिए। गुमराह और बद मज़हब के साथ दोस्ती और मेल जोल रखना, ख़ास तौर पर इनकी मजहबी तकरीबात में शिरकत करना, टीवी इंटरनेट या सोशल मीडिया के ज़रिए इनकी गुफ्तगू व तकरीर सुनना। कि गुमराह शख्स अपनी तकरीर में कुरान और हदीस की वजाहत करने की आड़ में ज़रूर कुछ बातें अपनी बद मज़हबी की भी मिला दिया करते हैं, और देखा गया है कि वो बातें तकरीर सुनने वाले के जहन में बैठ जाती हैं और वो ख़ुद भी गुमराह हो जाता है। इसी तरह इनकी किताबें पढ़ना, बग़ैर इलम के दीनी मसाइल खसूसन अकायद में बहस करना, गुमराही से महफूज रहने के लिए क्या किया जाए, यह सबसे अहम बात है। बद मज़हब और किसी भी गुमराह कुन नज़रिया रखने वाले शख्स से हमेशा दूर रहिए। इसके साथ दोस्ती मेल जोल, इसकी गुफ्तगू और तकरीर सुनने से बचते रहिए कि हदीस शरीफ में है, यानी बद मज़हबों से दूर रहो और इन्हें अपने से दूर करो, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दे, कहीं वो तुम्हें फितने में ना डाल दे। अच्छा, अब बर्रे सगीर के जो मुसलमान हैं, ये बात ख़ास तौर पे उनके लिए कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान के दामन को मज़बूती से थामे रखिए। सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तनद उलमा अहले सुन्नत की किताबें पढ़िए और इन्हीं की तकरीर सुनिए। दीनी मसाइल खसूसन अकायद के मामले में बहस करने से गुरेज़ कीजिए कि ये अवाम का नहीं बल्कि माहिर फ़न उलमा का काम है। अल्लाह ताला इन बातों पर पहले मुझे और फिर आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलि वसल्लम।